भारत माता की, माता की, इनकलाब इनकलाब, वंदे वंदे। मंच पे मौजूद देश के बहुत ही सीनियर नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार साहब, सुप्रिया सुले ताई, मंच पे मौजूद इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण और यहाँ पे इतनी भारी संख्या में आए हुए मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूं आप लोगों के सामने झोली फैला के इस देश को बचाने की भीख मांगने के लिए। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने मुझे जेल से छोड़ा है, मोदी जी ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था थोड़े दिन पहले एक झूठे केस में, जेल से सीधा यहीं आ रहा हूं। अपने लिए वोट मांगने नहीं आ रहा, देश को बचाने की भीख मांगने के लिए आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं, मुझे उम्मीद नहीं थी मैं इतनी जल्दी छूट जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने, यह करिश्मा था, चमत्कार था, ऊपर वाले का चमत्कार था। जो जो लोग ऊपर वाले पे यकीन रखते हैं, भगवान को मानते हैं, मैं तो मानता हूं, ये भगवान के किसी चमत्कार से कम नहीं था कि अचानक एक दिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा केजरीवाल को 21 दिन की मोहलत दे रहे हैं, जाओ और जाके चुनाव प्रचार करो। मैं दिल्ली में एक दिन रोड शो कर रहा था, निकलने के बाद तो एक महिला कहती है, सर आपको भगवान ने भेजा है 21 दिन के अंदर बीजेपी की ऐसी तैसी करने के लिए। तो मैंने भी ठान ली है, ये 21 दिन मैं सोऊंगा नहीं, 24 घंटे एक एक पल एक एक सेकंड पूरे देश में घूम घूम के देश को बचाने का काम करूंगा और इनको निकालने का प्रयास करूंगा, लोगों को जगाने का काम करूंगा। इन्होंने मेरे को जेल भेज दिया। मैं मन में सोच रहा था मेरा कसूर क्या है, मेरे को क्यों जेल भेजा, मैं छोटा सा आदमी हूं, मेरी छोटी सी पार्टी है, दो राज्यों में हमारी सरकार है, दिल्ली में पंजाब में, ये तो बहुत ताकतवर लोग हैं, इनके पास तो इतनी सत्ता है, इतना पैसा है, फिर मेरे को जेल क्यों भेजा। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के बच्चों की शिक्षा का इंतजाम किया। मेरे को जेल इसलिए भेजा क्योंकि दिल्ली के अंदर मैंने गरीबों के सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। मोदी जी उसको रोकना चाहते हैं, मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, मैंने दिल्ली में 500 स्कूल बनाए, आप 5000 स्कूल बनाओ, 50000 स्कूल बनाओ देश में, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 स्कूल बनाए, आप उसको जेल में डाल के स्कूल बंद करा दो, ये तो छोटी सोच है, ये तो छोटी मानसिकता है। मेरे को जेल में क्यों भेजा, मेरे को जेल में इसलिए भेजा, मैंने दिल्ली के अंदर शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली में 2.5 करोड़ लोग रहते हैं, अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको सबको शानदार इलाज मिलता है, सारी दवाइयां फ्री, सारे टेस्ट फ्री। मोदी जी इसको रोकना चाहते हैं, मोदी जी नहीं चाहते कि गरीबों को अच्छा इलाज मिले। आपका बड़प्पन तो है, मैंने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, आप 5 लाख हर गांव में मोहल्ला क्लिनिक खोलो ना, तब आपका बड़प्पन है। केजरीवाल ने 500 मोहल्ला क्लिनिक खोले, केजरीवाल को पकड़ के जेल में डालो।